एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिच एंड सौरवर्ड। और आज मेरा टाइम है चेकआउट करने का इस होटल से, बिकॉज टुडे इज मंडे एंड आई एम हेडिंग टू माय ऑफिस इन लंदन। ये कितना खुश हो रहा है। तो फिलहाल अभी मॉर्निंग में 5 o'clock हो गया है और मेरी ट्रेन है 6 बजे, तो मैं यहाँ से निकल रही हूँ। सौरभ मुझे ड्रॉप करने जा रहा है स्टेशन पे, तो उसके बाद मैं जाऊंगी अपने लंदन ऑफिस, वहीं से सीधा डायरेक्ट होम, और सौरभ मिलेगा मुझे 2 दिन बाद। सौरभ, आई वेट फॉर यू एंड गिव मी द सरप्राइज, कल ही आ जाना परसों की जगह। और ये यहाँ से चेकआउट कर रहा है आज एक्चुअली, क्योंकि इसकी कोई मीटिंग है 2 दिन के लिए, तो ये दूसरे होटल में जा रहा है अपनी क्लाइंट मीटिंग के लिए। सो बाय बाय टू हिज होटल एंड सी यू सून अगेन। अभी हम चलते हैं स्टेशन में ताकि लेट ना हो जाए, हमारे ट्रेनर निकल जाए, तो फटाफट चलते हैं। और सारा कुछ हमने सेट भी कर दिया एक्चुअली, नाइस डे, नाइस स्पा, सब कुछ अच्छा। चलो पहुंच चुके हैं स्टेशन, फटाफट चेक करना है कि मेरी ट्रेन कब कितने बजे है। हाँ, कितने? चलो फिर ठीक है, चलो कहाँ, अच्छा लंदन वाटरलू ऑन टाइम, इधर ही आनी थी पक्का। ठीक है, तो भाई प्लेटफॉर्म 2, 3, 4 जो है ना वो इधर है, बट मेरी 1 पे आ रही है, तो आई एम जस्ट वेटिंग हेयर। तो यहाँ पे फाइनली डिस्प्ले में आ रहा है कि लंदन वाटरलू ऑन टाइम है। ऐसा है कि आज मैं अपने ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुंच गई हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आई हूँ, तो आधा घंटा जल्दी पहुंची हूँ। देखती हूँ अगर कोई आया हुआ है कि नहीं ऑफिस में, नहीं तो रिसेप्शन में वेट करना पड़ेगा। खाने के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत सामान ले लिया है, दिस इज नाइस। और होता क्या है कि हमारे ऑफिस में ना कैंटीन में वही 1-2-3 चीज़ें मिलती है, तो मैं खा खा के बोर हो गई ऑलरेडी बाहर का, तो सोचा चलो बाहर से कुछ ले लेती हूँ। तो मैं एक दिन पहले घर आ चुका हूँ और यहाँ से घर आके कितना अच्छा लगता है, पूरे 10-12 दिन के बाद। और रिचा को ना पता ही नहीं है कि मैं आज घर आने वाला हूँ, तो क्या करने वाला हूँ, उसको देने वाला सरप्राइज। देखते हैं घर कितना गंदा किया हुआ है। नहीं यार, साफ रखा हुआ लड़की ने घर, ओ पक्का भी निकाला हुआ है। तो मैं ये सामान संभाल लेता हूँ और फिर फटाफट आके ना उसको एक सरप्राइज देते हैं कि मैं घर आ गया। मैं बेसिकली वेडनेसडे आने वाला था, पर मैं ट्यूजडे आ चुका हूँ। आपको तो पता ही है कि मंडे को रिचा निकली थी और मैं ट्यूसडे शाम को आ चुका हूँ। तो भैया जी, ये बैग उठाओ और रखो उसकी जगह पे। तो रिचा घर आ चुकी है, मेन गेट का दरवाज़ा खुला है, पर उसको नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो लेट्स गिव हर अ सरप्राइज। हेलो, हेलो बेबी, मैं घर आ गया, वो आया हुआ है इतना जब। गाइस, रियल रिएक्शन है, कोई पहले से प्लान नहीं किया हुआ था। मेरे सांस नहीं आ रही। पानी दबा। मेरे भाई, और घर में कौन घुस गया? दरवाजा भी बंद नहीं है, लॉक नहीं है, कुछ भी। मेन दरवाजा खुला था बाहर का? नहीं, वो बंद था। ये कैसे खुल गया? मैंने नहीं तो सुबह लॉक करके गई थी। हाँ, तो धीरे धीरे देख लो कौन है अंदर। मेरे सांस, पानी दबा। ये अच्छा प्रैंक नहीं था थोड़ा? नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्लान किया था। प्लान खुश तो था, अब तो खुश होना, मैं घर आ गया, कल की जगह आ जाएगा। नहीं दिया, थोड़ा सांस ले लो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, जिससे बदला लिया जाएगा तो उसे पूरा पक्का बदला लियो। एक काम करना, मेरे कपड़े संभाल दियो, बदले में सारे सेट कर दियो। मैं ना भाग भाग के आई हूँ, पूरा वर्कआउट करके, बस सीने उड़ गए मेरे। अच्छी बात, मेरे को वैसे नहीं आ रही। 10 किलोमीटर का ट्रेन है, टेंशन मेरे को आधी वैसे नहीं आ रही। मैंने आज 15K कदम की है और ऊपर से तुमने डरा दिया ये। चल, मैं आ गया घर, मैं घर आ गया। तुम तो बोले थे मैं कल आऊंगा, आप आज ही आ गए। तो मैं आज आ गया, मेरा काम खत्म हो गया, मैं फटाफट भज के आ गया। होटल कैंसिल कराया? फ्री में? नहीं, कैंसिल कराया। फिर पैसे दे दिए उसके? मैं रह के सुबह आ जाता या फिर मैं अभी रात को निकल आता, फर्क क्या पड़ रहा था?
सब चले गए टीम वाले? वो सुबह निकल रहे हैं, 7 बजे की उनकी फ्लाइट है। ये आज मैं तुम्हारे लिए राजमा चावल बना रही थी। बाबा मैंने ये देख चावल भी भिगो के रख दिए हैं और टोमेटो प्यूरी भी बना दी है। तो मैंने बना के रखी थी सुबह से, बड़ी चलाक हो है। मैंने बनाई थी, सैलड भी काट के वहाँ पर रख दिया है और प्याज भी काट दिया है। सैलड में ये इतना से सैलड तो तुम ही अकेले खा जाओगे। प्याज भी काटा है। चेंज नीचे ना रिसेप्शन में बहुत ज्यादा कुरियर इकट्ठे हो चुके हैं और मैं ना नीचे जा रहा हूँ और जाके कुरियर ले आता हूँ। अच्छा मैडम ने इतने सारे आइटम ऑर्डर कर दिए हैं तो ये प्राइम डे था यहाँ पर थोड़े दिन पहले, तो इसके चक्कर में फुल कीप ऑन ऑर्डर किए जा रहे थे, ऑर्डर किए जा रहे थे। अब चल के घर चल के इसको ओपनिंग करते हैं। ओ भाई ये तो कुली बना दिया मुझे। तुम्हारे ही रहते हैं आज मैंने। अमेज़न का प्राइम डे था, तुमने तो फुल शॉपिंग कर ली है। मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। मुझे नहीं पता। नहीं ये तो एक्चुअली साथ वालों को कुरियर है, ये प्लांट्स के लिए उन्होंने मंगवाया था कुछ, वो है नहीं थे यहाँ पे, उन्होंने बोला था आपके घर डिलीवर कर देती हो। नहीं ये मैंने आई थिंक एक या दो ही कुछ मंगाया, सबसे बड़ा वाला तो उनका है, साथ वालों का। उन्होंने मुझे फोन किया था कि हम आपके घर डिलीवर कर रहे हैं। नहीं उन्होंने प्लांट्स के लिए कुछ, अपने पौधों के लिए कुछ किया है ना। चलो ठीक है फिर, तो मुझे लगा मैं तो ऐसे एक्साइटेड हो गई, इतना सामान आ गया। तुम्हारे लिए कुछ नहीं आया? अरे ये मैंने वाटर बॉटल मंगाई, हॉट वाटर बॉटल, बहुत काम की चीज है। वो गई थी पिछली वाली। हाँ लेकिन यहाँ पे काफी महंगी मिलती है, इंडिया में तो बड़ी सस्ती मिलती है, 200 रुपए की मिलती है। और ये ना सबसे अच्छी बात बताओ कि इसके पकड़ो इसको गाइस, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि अगर आपकी पीठ में दर्द हो रही है ना तो ये ना वो बंद कर देगी इसको, मतलब होल्ड कर, बेल्ट लग जाएगी, क्योंकि नॉर्मल में बेल्ट नहीं लगती। मशहूरी करे इसकी। हमें पैसे मिल रहे क्या? नहीं मिलते तो लोगों के लिए बता रही हूँ, पैसे तो अभी मुझे लगा अनबॉक्सिंग करके पैसे मिल रहे हैं। पैसे तो वैसे भी नहीं कोई ब्रांड देती ना, वो तो सिर्फ प्रोडक्ट ही देती है। तो इसमें आया है ये ब्रांड का प्रोडक्ट, ये तो पक्की बात है। हाँ ये उन्होंने भेजा है, टी-शर्ट। तो अब करने लगा है सौरभ नई चीज का मुहूर्त। यार आजकल की लीगल ब्रांड की ना जो टी शर्ट है, कूलिंग टी शर्ट, कूलिंग टी शर्ट है, कूलिंग। इसके अंदर बर्फ पड़ी है क्या? नहीं ये ना तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को 5 डिग्री तक कम कर देगी। ऐसे गर्मी है 30-35 डिग्री, तो इसको डालो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर, तुम्हें बेसिकली गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा जी मेरे को भी मंगवा दो 4-5 फिर। एक बहुत सिंपल सी, बहुत सी प्यारी सी ना ब्लैक कलर की टी शर्ट है। ओके प्लेन टी शर्ट है, लाइक फॉर द ब्लैक कलर व्हाइट कलर में अवेलेबल है, तो मैंने अपने लिए ब्लैक मंगवाई क्योंकि मुझे ये कलर पसंद आया था। ओके तुम स्पोर्ट्स के टाइम पे पहन सकते हो, बिकॉज़ पसीना बहुत आता है ना, तो लड़के फुल्टी पहन लिए लगता है। तो अब इसे पहनी है सीधी। टेक नंबर 2 सीरियल के लिए मेरा डायलॉग है, लग रहा हूँ कि कूल डूड, लग रहा हूँ कूल डूड। व्हाट इज दैट? तो ऑफिस से ये दिख रही आ रहे बिहाइंड द सीन्स जोक बड़े मार रहा हूँ, तो ब्लूपर्स है। आप भी ऐसी टी शर्ट बाय करने में इंटरेस्टेड हो, परचेज करने में, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उसी लिंक को क्लिक करके अपना परचेज कर सकते हो एंड आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और अमेज़न से आप इसको डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हो। ओह माय गॉड, अब तू मेरी फोटो भी खींच थोड़ा बहुत, मैं भी बात करने का फैल उठा। देखो चेहरे पे मत जाना, थोड़ा बहुत डार्क सर्कल होते हैं। अच्छा क्या गन डालो, मैं बात करनी है। अरे यार वो चिड़ी आ जाती है ना, फोटो खींच दिया बस कर, मेरी पेट आ रहा बाहर, सांस रोक के मुंह सही नहीं आ रहा फिर। बकवास, तेरे से तो अच्छे ही है, पता नहीं क्या पोज बना फिर। अच्छा वीडियो मत ले, फोटो खींच। चलो अभी वापस, आंखें तो खोलो, आंखें तो खोलो। इतनी धूप में कौन आंखें खोलता है? मेरे खींचनी फोटो। ओह माय, ये बंद हो गए, बाय। अभी तो बाहर ही रहोगे, बाहर ही रहोगे। हाँ जी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा मौसम है, वैसे भी शाम पड़ गई है, मैं तो रात को 10 बजे तक यहाँ बैठ सकता हूँ। तुम्हें अगर अकेले अंदर बोर नहीं होना तो दरवाजा खोल देना। अच्छा तो डिनर तो मैं इधर ही दे दूँ? नहीं पर दे दो यहाँ से प्लेट। अरे हटो, चलो मेरे पे जैसे ये लो खा लो, छोड़ो
ये हाथ तभी रुकेगा जब तुम दरवाजा खोलोगे। भैया लॉन्च चक मेरा। तो गाइस अभी हम लोग डिनर करने लगे हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इतनी धूप में डिनर, तो इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, 10 बजे से पहले अंधेरा नहीं होने वाला। ऑफिस से आई है, देखो आते ही लिपस्टिक पूरा फेस पे सब लगा दिया है, है ना भाई? पता नहीं कहाँ से लिप्स लग जाती है, ऑफिस में लगा के आते हो क्या? नहीं मेरी बात सुनो, वो उसके ऊपर नहीं जाते। तो अभी हम एक काम करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं बाय। टॉपिक ना कैसे वो डाइवर्ट किया जाता है ना, इनसे सीखो। बाय गाइस, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। और आप सबको क्या कहते हैं, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि सावन के महीने शुरू होने वाले हैं, बहुत सारे लोग फास्ट करेंगे। तो आप प्लीज हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, विच इज रिचा एंड सौरभ, एंड बने रहिए हमारे साथ।